हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों से एक झोपड़ी बनवा रही थी, तो वो झोपड़ी अब बनके पूरी हो चुकी है। तो मैं आपको ले जाऊंगी झोपड़ी के पास। उसके जब से शुरू हो रही थी झोपड़ी, तो मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। तो आप पहले उन वीडियोस को देख लो और लास्ट में झोपड़ी का पूरा लुक देखना। तो आज तो मैंने ये वास्कट मिल गया था मुझे, तो ये वास्कट पहन लिया है। अब तुम नेतागिरी कर लो नहीं, वास्कट पहनकर। और हमारे साहब जी कह रहे कि आप तुम नेता कर लो। क्यों, मैं नेता जैसी लग रही हूँ क्या? वास्कट वास्कट पहन के ऐसे ही तो करते। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चुनाव भी लड़ लूँ, तो 4 वोट तो मेरे पक्के हैं अपने घर के। हो सकता है वो भी ना दे मुझे वोट, 5वें वोट की गारंटी नहीं है। और घर वाले भी क्या पता वहाँ जाके बदल जाए, तो 4 वोटों की भी गारंटी नहीं है। हाँ, 2 वोट पक्के हैं, एक मेरा और मेरे साहब जी का, क्योंकि साहब जी मेरे से बच के कहीं जा नहीं सकते। अगर इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया तो पता चल जाएगा मुझे कि एक ही वोट मिला है। तो गाइज, ये तो फालतू की बात हो गई है। और मैं जा रही थी पीछे को, तो बहुत सारे बंदर आ गए हैं पीछे। देखो यार, कितना बंदरों का झुंड आ गया है, अब हम जा नहीं पाएंगे। आप पहले ये बंदरों को शूट कर लेते हैं, और आप इनकी शैतानी देखो, ये कितना शैतानी करते हैं। और जैसे ये जाएंगे तो मैं आपको ले चलूँगी पीछे, और तब तक आप वीडियो देखो, आप मेरी इंजॉय करो। देखो झोपड़ी कैसे बन रही है हमारी, फिर लास्ट में आपको फुल लुक दिखाती हूँ इसका। और ये देखिए, कितने सारे बंदर आ चुके हैं यहाँ पे, पूरे झुंड के झुंड बंदर आ रहे हैं। देखो आते जा रहे आते जा रहे, और इतनी शैतानी करते हैं ये बंदर, इतनी शैतानी करते हैं। इन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। पहले वो सामने जो रेलिंग दिख रही है, ये रेलिंग इन्होंने पूरी तोड़ के हिला हिला के नीचे डाल दी थी, तो दोबारा से वेल्डिंग करी हुई है ये रेलिंग। और हमारे खेतों में पहले से इतनी ज़्यादा सब्जियां हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं उगने देते। यहाँ तक कि गुलाब की कलियाँ तक खा जाते हैं। और कितने बार शासन प्रशासन में इनकी शिकायत कर दी है, तो 4 बंदर पकड़ने वाले रोज़ आ जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। 4 बंदर पकड़ के फिर वापस चले जाते हैं वो लोग। हो गया, पूरा हो जाता है उन लोगों का। और ये देखो, ये पेड़ों में कोई चीज़ नहीं होने देते, अमरूद के पेड़ में, आड़ू के पेड़ में, और हमारे आड़ू। और अगर हम इनको भगाने जाते हैं तो ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हमको काटने के लिए दौड़ते हैं, तो हमें ही अपनी जान बचानी पड़ती है। भैया, इन्होंने तो राक्षसों की नाक में दम कर दिया था, तो फिर हम तो इंसान ही हैं। और ये देखो कैसा कर रहे हैं, उत्पात मचा रखा है इन्होंने। और इस बार हमारे आड़ू के पेड़ में इतने ज़्यादा फूल आए हैं, लेकिन इन्होंने हिला हिला के सारे झाड़ देने हैं फूल। और कितना प्यारा लग रहा है हमारा आड़ू का पेड़, देखिए। छत से अंदर को बनाओ, ठीक है, डंडे से नापो कितना अंदर है छत से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना। हाँ इतना अंदर है, कितना अंदर है? हाँ हाँ ठीक है, चलो आप चिनाई करो इसमें 1-2 फुट की, 1 फुट। लो ये पकड़ो, तो मैं बताऊं, लो इसको पकड़ो तो सही, इसको ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। और कैसे हो? बस ठीक हूँ आंटी जी को। और आंटी राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो आप? बढ़िया। और आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और क्या बनवा रहे हो आप? मेरा मन अब घर में रहने को नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ झोपड़ी में तपस्या करूंगी, तो झोपड़ी बनवा रही हूँ अपने। झोपड़ी दिखा दो ना। ये है आंटी का नया झोपड़ी, ये मेरी बन रही है झोपड़ी। हम इन पे फोटो खींच सकते हैं? क्योंकि घर में रह के मेरी खराब हो गई है झोपड़ी। अब ये लोगों के लिए मैं सेल्फी पॉइंट बनवा रही हूँ, ताकि लोग ये लोगों के लिए मैं सेल्फी पॉइंट बनवा रही हूँ
क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि पुराने जमाने में कैसे दरवाजे होते थे, तो ये हमारे पास पुराना दरवाजा पड़ा हुआ था यहाँ पर, छोटा सा, बहुत गंदा सा हो रहा था ये, इसको हमने साफ सूफ करके इसमें ऐपर डाल दिए। ऐपर जो है हमारी कुमाऊनी लोक कला है, है ना, तुमने भी देखी होगी, जानते हो आप ऐपर के बारे में। तो ये देखो इसमें हमने ऐपर बनाए हुए हैं, कितने सुंदर। तो मैंने सोचा इसको एक झोपड़ी का रूप दे दिया जाए ताकि लोग इसको याद रख सके और इसमें अपनी सेल्फी वगैरह खिंचाए। अभी इसके आगे मैं गमले वगैरह लगा दूंगी। और तुम्हारी कैसी चल रही ब्लॉगिंग? बढ़िया चल रही है ब्लॉगिंग तो। अच्छा, अभी तो ठप पड़ा हो गया। क्यों ठप क्यों पड़े? बनाओ ब्लॉग, बनाएंगे। आंटी आप बहुत अच्छे ब्लॉग कौन आंटी आप अच्छे ब्लॉग बनाते हो, मैंने देखा भी है। हाँ। और आपके साथ एक मंदिर का बनाना है तो हाँ। चलेंगे क्या ब्लॉग? हाँ हाँ बिल्कुल, एक ब्लॉग बनाऊंगी मैं। अच्छा। नाम रवि के साथ, रवि रवि के साथ मुझे एक ब्लॉग बनाना है। रवि मुझसे कब से रिक्वेस्ट कर रहा, आंटी एक ब्लॉग बनाओ हमारे साथ, एक ब्लॉग बनाओ। लेकिन रवि देखो मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, हमारे वहाँ कितना काम हो रहता ना रोज रोज जी। तो अब जिस दिन मेरे को फुर्सत होगी तो एक दिन चलेंगे और तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाएंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी ये तो आई हुई बस, यहीं पर आता है, घर नहीं आता है। आंटी को मालूम होगा ना, देखो कितनी मेहनत लगती है कोई भी चीज करने में ना, जब तक अपने आँखों से देख के नहीं बनवाओ तब तक सही नहीं बनता। अभी जब ये पूरा हो जाएगा तो इसका पूरा लुक दिखाऊंगी मैं आपको, शाम तक शायद मेरी झोपड़ी पूरी हो जाएगी। क्यों मिस्त्री जी, ओ मिस्त्री जी, शाम तक पूरी होगी नहीं झोपड़ी है जली ब्याल तक? सफेद रंग क्यों कर रहा है, ऐसी तो अच्छी लग रही थी। ये प्राइमर हो रहा, प्राइमर हो रहा। हाँ फिर उसमें पूरे में करोगे? हाँ पूरे में प्राइमर, आगे में जो कलर ढकने में वो ढक जाएगा। अच्छा, मैं तो कहती ऐसी अच्छी लग रही है, हमारी झोपड़ी बनके तैयार हो गई है और बहुत सुंदर लग रही है। पूरन जी कह रहे हैं इसमें दोबारा रंग करना पड़ेगा। कौन सा कलर करोगे फिर इसमें बताओ जरा? टेराकोटा कलर होगा इसमें। मेरे को तो ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। हम तो इसमें टाइल्स लगाने वाले थे, टाइल्स भूल गए हम इसमें। टाइल्स लगाएगा तो भी ये नहीं लगेगा, प्राइमर लगाना बंद करना पड़ेगा। रुको तो अभी मैं पूछती हूँ एक बार, टाइल नहीं चुकेगी ना? हैं? हाँ टाइल रखी हुई थी घर में, वो भी तो वेस्ट जा रही है टाइल्स। मैं कह रही थी यहाँ पे हम कह रहे थे टाइल्स लगवाएंगे फिर, आप वो जो टाइल्स पड़ी हुई थी। अरे ऐसा है ना, ये फिर इसमें टाइल्स लगा के वाला लुक नहीं आएगा जो हम कुमाऊनी लुक पुराने पत्थरों का पहाड़ का घर देना चाह रहे हैं ना। अच्छा, तो इसमें अभी ऐसा है पहले सफेद से हो जाएगा, फिर जहाँ जहाँ ईंट लगी है इसमें टेराकोटा का रंग हो जाएगा, तो पुराना जो डिजाइन होता है हमारा वो आ जाएगा। अच्छा, और ये छत में हमने पत्थर लगाए हैं, पत्थर लगा रखे हैं, पाथर वाला घर बनाया है। पहले हमारे मकान ऐसे ही थे, अब हमको उनकी बहुत याद आ रही थी तो हमने यहाँ पर छोटा सा बना लिया है। अब इसके अंदर भी दिखाती हूँ मैं आपको खोल के, लो तुम वीडियो बनाओ मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर भी दिखाती हूँ खोल के, ये देखो इसके अंदर हमने रखा है झाड़ू वाड़ू रखने का, मंदिर का सामान, ये सब फैला रहता था ना बाहर से, झाड़ू कहाँ रखे सोचते थे हम लोग, तो ये सब इसके अंदर आ जा रहा है। अभी एक पेंटिंग अंदर भी बना देंगे पूरा, इसके अंदर भी सफ़ेद कलर कर देना हाँ दीवार में, या मिट्टी से लीप दे इसको अंदर, है लाल मिट्टी मिलती ना वो दीवार पोत देते जैसे पुराने घरों में होता था, इसके अंदर मिट्टी से दीवार लीप देते जैसे पुराने घर होते थे ना, वैसे बना देते हैं इसको। चलो आप टेराकोटा लगा के इसका लुक कैसा आता है देखते हैं, एक फोटो खींच दो मेरी कैसे आ रही। किसको रख लिया मैंने भी कैमरा मैन, राम आएंगे आएंगे
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। अब मैं इस पर रील बनाऊंगी, यहाँ पे एक राम आएंगे वाले गाने के। तो थोड़े दिन बाद हम इसका आपको कंप्लीट लुक दिखाएंगे। कब हो जाएगा पूरा? नहीं पूरा है, 3-4 दिन। अच्छा 3-4 दिन में पूरा होगा वाले। मेरे को तो ब्लॉग डालना है फिर जल्दी। हाँ कल लगा देना। और ये पूरी झोपड़ी सफ़ेद कर दी है, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर ये देखो टेराकोटा लगा के ऐसा बना रहे थे ये ईंट जैसे, तो ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि हमने दरवाज़ों में जो कलर किया है, मतलब ऐपण बनाए हैं, वो भी लाल और सफ़ेद रंग के हैं। अगर पूरी झोपड़ी इसी कलर की बन जाती तो हमारे दरवाजे जो हैं हाईलाइट नहीं हो पाते। तो हमने फिर से इसको मिटाया और फिर लीपना शुरू किया झोपड़ी को। तो मिट्टी से लीप के ये ऐसी बन गई। तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी झोपड़ी के पास, जो कि हम बहुत दिनों से बना रहे थे। देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी झोपड़ी। इसको बनाने में करीब हमको 1 साल लग गया। अब आप सोचेंगे कि 1 साल क्यों लगा इतनी छोटी सी झोपड़ी बनाने में, क्योंकि ये दरवाजे हमने पेंट किए, फिर ऐपण किए, तो कई महीने हमको ऐपण में लग गए। तो ये ऐपण किए हैं मेरे भतीजे ध्रुव ने और मैंने, धनंजय है ना इसका नाम, इस कॉलेज का नाम धनंजय, और मैंने किया। तो फिर उसके बाद इसमें पेंटरों ने सफ़ेद पेंट लगा दिया था, तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था ये। तो हमने फिर मिट्टी मंगवाई सेनार से, 2 कट्टे मिट्टी मंगवाई, और 250 रुपये का 1 कट्टा मिट्टी मिल रही है आजकल। तो अगर आदमी चाहे तो कैसे भी पैसे कमा सकता है, मिट्टी बेच के भी पैसे कमा सकता है। तो हमने 250 रुपये का 2 कट्टे मंगाए 500 रुपये के, और मैंने ये पूरी लिपवा दी है गोबर और मिट्टी से। तो अब इसमें आ रहा है पूरा गांव का लुक। तो लग रही है ना सुंदर मेरी झोपड़ी। और ये देखो हमने आगे से हमने कनस्तर काटे थे और उनमें सारे प्लांट लगा दिए हैं। अब ये प्लांट थोड़े दिनों में बाद खूब सुंदर हो जाएंगे, तो ये झोपड़ी और सुंदर लगने वाली है। तो कैसे, और देखो झोपड़ी के आगे हमने अपनी ट्रेन भी लगा ली है, लेकिन ट्रेन का इंजन जो है वो बंदरों ने नीचे डाल दिया है। और मैं लग रही है मेरी झोपड़ी, मैं तो यहाँ पे बैठ के फ़ोटो शूट कराने वाली हूँ। एक बार मैं पहले भी करवा चुकी हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे रील बनाऊँगी और किसी दिन यहाँ पे खाना पकाते हुए भी दिखाऊँगी आपको। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इतने सुंदर वीडियोस देखने के लिए। तो प्रीति शाह आपके लिए रोज़ रोज़ नए नए टाइप के वीडियोस लेके आती है, क्योंकि मुझे भी एक ही तरीके का काम करना पसंद नहीं है। इसलिए लो मैं अपने दर्शकों के लिए रोज़ नए नए टाइप के वीडियो बनाती हूँ। तो मिलते हैं कल को नए ब्लॉग में फिर से, तब तक के लिए बाय।